हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है संतन और आप देख रहे हैं एसवी स्मार्ट टेक यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि मगध यूनिवर्सिटी बोधगया का यूजर आईडी पासवर्ड कैसे रीसेट करते हैं। अगर आप मगध यूनिवर्सिटी का यूजर आईडी पासवर्ड भूल गए हैं तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है गाइज। आपको ऑप्शन मिलता है फॉरगेट करने का। सो गाइज, इस वीडियो में मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे मगध यूनिवर्सिटी का यूजर आईडी पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। उससे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूँगा गाइज, कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यूजर आईडी पासवर्ड फॉरगेट करने के लिए आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको गूगल में सर्च करना है मगध यूनिवर्सिटी। सर्च करने के बाद देखिए मगध यूनिवर्सिटी ओपन हो जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर इस साइड में यहाँ पर वेबसाइट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है। यहाँ पर आपको मिलेगा एप्लीकेंट लॉगिन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। एप्लीकेंट लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए यूजर नेम पासवर्ड का ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन आपको तो यूजर नेम भी याद नहीं है और पासवर्ड भी याद नहीं है, तो हमें इसे यूजर नेम पासवर्ड को फॉरगेट करना है। तो उसके नीचे आइएगा थोड़ा सा गाइस, तो देखिए ओटीपी बेस्ड है, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको दिखेगा रीसेंड लॉग इन पासवर्ड, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस देखिए यहाँ पर ये फॉर्म को फिलअप करना है। देखिए फर्स्ट में है हाई स्कूल रोल नंबर, इसमें आप टेंथ में जो रोल नंबर था वो आपको फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड में सिलेक्ट कर लेना है कि आप टेंथ में कौन सा ईयर में पास हुए थे, आप टेंथ क्लास कौन सा ईयर में पास हुए थे वो सिलेक्ट कर लेना है। दूसरा है अपना बोर्ड सिलेक्ट कर लेना है, आप कौन सा बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड, ICSE बोर्ड, ये सब जो भी बोर्ड से आप हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद इंटरमीडिएट यानी इंटर का आप रोल नंबर यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर रोल नंबर डालने के बाद यहाँ पर कौन सा ईयर आप इंटर का एग्ज़ाम दिए यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेना है, जो भी आप रजिस्ट्रेशन के समय मोबाइल नंबर डाले थे वही मोबाइल नंबर होना चाहिए और सारा डिटेल सही सही होना चाहिए। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड आपको दिख रहा है ये बॉक्स में, ये आपको कैप्चा कोड यहाँ पर आपको फिल कर लेना है ये बॉक्स में। फिल करने के बाद गाइज यहाँ पर गेट लॉगिन पासवर्ड, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सारा चीज़ फिल करके यहाँ पर गेट लॉगिन पासवर्ड पर क्लिक करते हैं तो आपका जो लॉगिन यूजर आईडी पासवर्ड है वो आपके मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा और आप आसानी से लॉगिन कर पाएंगे। गाइज इस प्रकार से आप मगध यूनिवर्सिटी का लॉगिन पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।